Hello students, good morning. I am Arun Kumar Patil. Today I will taught you coal and petroleum. In previous classes, we learned about natural resources because coal and petroleum is a natural resources. We get coal and petroleum from nature, so it is said to be natural resources. In previous classes, we learned about what is natural resources. Natural resources is a material that we get from nature or our surrounding is called natural resources. In previous classes, we shall also learn about natural resources are different kinds. Firstly, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो on the basis of availability, on the basis of availability, it is two type, exhaustible and inexhaustible या फिर inexhaustible. फिर हमने देखा था on the basis of its replace के बेस पे renewable and non-renewable. तो इस चैप्टर में हमने पढ़नी है कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. जब हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि अपनी जो फ्यूल्स है ना, जो फ्यूल्स है, फ्यूल्स को हम लोग प्राप्त करते हैं अपने एनवायरमेंट से, अपने अर्थ के द्वारा. सो इट इज आल्सो नोन एज, ठीक है, जो अपनी फ्यूल्स है, जो कोल एंड पेट्रोलियम है, इट इज आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, व्हाई इज नोन एज फॉसिल फ्यूल, बिकॉज कोल एंड पेट्रोलियम इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल्स, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर रिमेन्स ऑफ, जो रिमेन्स है किसका, प्लांट्स का और एनिमल्स का. ठीक है, इनसे जो प्राप्त होता है, इनकी जो रिमेन्स होती है, इनकी रिमेन्स से हमें प्राप्त होती है फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल हमें प्राप्त होती है इन द फॉर्म ऑफ डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या फिर और भी बहुत सारी गैसेस हैं. ये सारी चीजें हम लोगों को यहीं से मिलती है, फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में मिलती है. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज फॉसिल फ्यूल. व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, व्हाई इट इज सेड टू बी फॉसिल फ्यूल, बिकॉज ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स ऑर प्लांट्स ऑर रिमेन्स ऑफ प्लांट्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि जो फ्यूल्स होती है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, है ना, जो फॉसिल फ्यूल है वो हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स हैं, वो बरी हो जाती है अंडर द अर्थ. ठीक है, और मिलियन ऑफ ईयर्स बाद, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये कन्वर्ट जाती है फॉसिल्स के रूप में, और इस फॉसिल्स को स्ट्रक्चर करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स फ्यूल. ठीक है, तो दैट इज सेड टू बी फॉसिल फ्यूल, द फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स बरी अंडर द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल. ठीक है, फॉसिल फ्यूल हम प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स और एनिमल के रिमेन से. ठीक है, जो अर्थ के अंडर में पाया जाता है उसको हम ड्राई करके फॉसिल फ्यूल को निकालते हैं. और फॉसिल फ्यूल हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो एरोप्लेन से लेकर के दैट में जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एरोप्लेन, रॉकेट, जो कार वार चलती है रोड पे, है ना, इन सारों के लिए जरूरत होती है किसकी, फॉसिल फ्यूल की. ठीक है, तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है इसमें इनकी बहुत जरूरत होती है. ठीक, तो हम देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो.
फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो देखेंगे जो फॉसिल फ्यूल है वो कैसा रिसोर्सेस है, एग्जॉस्टेबल, ठीक। दैट मींस खत्म हो जाएगा, एक समय ऐसा आता है कि ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके परमिशंस में मिलियन ऑफ ईयर्स डिवोट करता है, बहुत सारे सालों तक लग जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो हमने देखा इट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल, कोल पेट्रोलियम इज नोन एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज we can get from remains of animal and plants, remains of animal and plants, ठीक। next is हम देखेंगे जो fossils फ्यूल होती है वो located होती है under the grounds, ठीक है, ground के अंदर में पाई जाती है। इनके अलावा जो coal and petroleum है इनसे बहुत सारे means of transportation या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को जनरेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कोल है उस कोल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अपना जो चैप्टर है वो कोल एंड पेट्रोलियम पर आधारित है, तो इसलिए हम कोल के बारे में पढ़ते हैं, व्हाट इज कोल, ठीक है। तो कोल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जो कोल है वो एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है जो अर्लीस्ट है, दैट मींस इसी को सर्वप्रथम यूज किया गया था इन टू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए सबसे पहले यूज किया गया था क्या, कोल। कोल इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, जो कोल है वो ब्लैक कलर में पाया जाता है। इनके अलावा जो कोल होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, डीप माइंस आता है, ठीक है, अर्थ की डीप माइंड में, अर्थ के काफी अंदर पाया जाता है कोल। जो होती है कोल को हम एक्सट्रैक्टेड करते हैं, कोल इज एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, इसको हम माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, डिगिंग करते हुए निकालते हैं। इन इंडिया कोल माइंस आर लोकेटेड, ठीक है, हम देखेंगे इंडिया में जो कोल माइन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। इन इंडिया कोल माइन आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सारे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाया जाता है, कोल। यहाँ पे कोल की माइन है बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज में पाई जाती है, यहाँ से हम कोल को ऑब्टेन करते हैं। तो कोल क्या है, कोल एनर्जी को जनरेट करने के लिए एक सोर्स है जो अर्लीस्ट पीपल्स के द्वारा, दैट मींस सबसे पहले इसको एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज की जाती थी। ये ब्लैक इन कलर होता है, इसमें बहुत सारे कार्बन कंटेंट्स से मिलकर के ये पूरी तरीके से बना होता है। इनके अलावा हम देखेंगे कि जो कोल होता है, कोल की माइनिंग इंडिया में वेस्ट बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इनके अलावा इनमें जो मेन कंटेन होते हैं जो पाए जाते हैं कोल में वो है हाइड्रोजन, ठीक है, कोल में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। ये सारी कंसंट्रेशन भी इसमें पाया जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इस तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि जो कोल है, कोल एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है जो कैसे पाया जाता है, ये अर्थ के डीप में पाया जाता है, ठीक है, इससे मिलकर बना है प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनके रिमेनिंग पार्ट से मिलकर के ये बनी होती है, ये अर्थ के अंडर में बारी हो जाती है और उसी चीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके अलावा हमने देखा कि जो कोल होती है, कोल की बहुत सारी माइनिंग भारत के मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और झारखंड में मिलती है।
इनके अलावा नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ कोल, है ना, जो कोल है कोल की टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो कोल्स वेरियस टाइप्स में पाए जाते हैं, तो हम देखेंगे जो टाइप्स ऑफ कोल है वो कौन कौन सी टाइप्स है। तो टाइप्स ऑफ कोल में हम देखेंगे मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, मेनली थ्री टाइप्स। जो फर्स्ट है वो है एंथ्रोसाइट, ठीक है, जो पहली है वो है एंथ्रोसाइट, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप की है वो एंथ्रोसाइट है। जो एंथ्रोसाइट है वो बहुत ही हार्डेस्ट कोल होती है, इट इज वेरी हार्डेस्ट कोल एंड इट इज बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, ये कोल की सबसे बेस्ट क्वालिटी है। इट बर्न्स क्लीन, ठीक है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से जलता है, बहुत ही क्लीन तरीके से जलता है और बहुत ही हॉट स्टडी तरीके से जलती है। इनके अलावा इसकी जो फ्लेम है वो बहुत ही सुटेबल है फॉर द यूज ऑफ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वालिटी है वो है एंथ्रासाइट, इट इज वेरी हार्डर, इट इज वेल सुटेबल फॉर हाउस होल्ड पर्पस एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत अच्छा है, ये सबसे ज़्यादा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को लिब्रेट करने में सक्षम है, इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटीज ऑफ कोल भी कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल या विच इज बेस्ट वैरायटी ऑफ कोल, तो वो आपका होगा आंसर जो होगा वो होगा एंथ्रोसाइट, ठीक। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो होती है वो है लिग्नाइट, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सेकेंड वैरायटी ऑफ कोल है वो है लिग्नाइट, ठीक है। लिग्नाइट ये भी क्या है, ये सॉफ्टेस्ट कोल है, ठीक है। ये हमने देखा था ये हार्डेस्ट था, ये हार्ड था, लेकिन ये सॉफ्टेस्ट है, ठीक है, इट इज सॉफ्टेस्ट कोल, ठीक। लिग्नाइट इज सॉफ्टेस्ट कोल और इनमें जो कार्बन कंसंट्रेशन होते हैं वो बहुत ही लोएस्ट फॉर्म में होते हैं, इनमें कार्बन कंसंट्रेशन बहुत ही लोवेस्ट फॉर्म में होते हैं। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड इट डज नॉट लिबरेट हीट एंड एनर्जी वेरी वेल। थर्ड इज ड्यूटोनियम, इट इज थर्ड वैरायटी ऑफ कोल, इट इज नॉट वेरी हार्ड नॉट वेरी सॉफ्ट, ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये एंथ्रासाइट और लिग्नाइट के बीच में है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको ये एक मीडियम वैरायटी है जिनको बहुत सारे पर्पस से लोग अपने उसमें इसको यूज में ले लेते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल हम देखेंगे जो कोल है कोल की फॉर्मेशन कैसे है ना, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोल इसमें हम देखेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि जो कोल हुआ उसका फॉर्मेशन हुआ मिलियन ऑफ इयर्स एगो, है ना, बहुत सारे सालों पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई, तो वो हम देखेंगे कि अपनी जो अर्थ थी है ना मिलियन ऑफ इयर्स एगो, हम देखेंगे अपनी जो अर्थ थी वो इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, है ना, जो अपनी अर्थ थी वो बहुत ही डेंस फॉरेस्ट से कवर थी, ठीक
कैप्टन्स फॉरेस्ट से कवर किया। देन क्या हुआ कि अपने अर्थ पर बहुत सारे क्लेमिटीज आ गई, ठीक है, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ड्राउट, जिससे क्या हुआ कि जब ये बहुत सारी क्लेमिटीज आ गई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो डेंस फॉरेस्ट हुई वो डेंस फॉरेस्ट हुई वो कन्वर्ट हो गई इनटू द फॉर्म ऑफ रूइंस, ठीक है, वो एकदम गिर गए, खत्म हो गए फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो प्लांट्स ये धरती जो ट्री हुए ये पूरी तरीके से अर्थ पर रूइंस के फॉर्म में पाए जाने लगे। जब ये रूइंस के फॉर्म्स में पाए जाने लगे तो क्या हुआ कि ये जो फॉरेस्ट थे धरती जो ट्री वगैरह प्लांट्स वगैरह सारे सारे कोई भी है उस पर सॉइल डिपोजिट हो गया, ठीक है, वो पूरी तरीके से जब रूइंस के रूप में कन्वर्ट हो गई पूरी अपनी अर्थ पर जितने भी प्लांट्स थे वो प्लांट्स सब गिर गए, है ना, क्योंकि एक ऐसी क्लेमिटीज आई जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। तो जो प्लांट्स थे वो अपने अर्थ पर डिपोजिट हो गए और अर्थ पर डिपोजिट होने के बाद उस पर सॉइल की लेयर पूरी तरीके से चढ़ती चली, ठीक है, साल के लेयर मतलब एक साल में एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे पूरी तरीके से बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि हम जानते हैं कि अर्थ पर पूरी तरीके से प्रेशर पड़ता है, उसके बाद क्या हुआ कि जो प्लांट्स थे वो बहुत ही इनसाइड द अर्थ हो गए, ठीक है, अर्थ के बहुत अंदर चले गए और अर्थ पर अर्थ का ट्रेमेंडस प्रेशर उस पर पड़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि अर्थ के अंदर की टेम्परेचर जैसा जानते हैं कि बहुत ही हाई होती है और इस कंडीशन में जो प्लांट्स वगैरह थे उनकी जो वो एकदम रूइंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और ये प्लांट्स एकदम हार्डेस्ट फॉर्म में अंदर पाए गए और उसी को कहा गया कोल्ड, ठीक है। तो ये ऐसी कंडीशन में जिसके द्वारा कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ कि अपनी अर्थ जो थी वो बहुत सारे फॉरेस्ट से डेंस फॉरेस्ट के साथ में कवर हुआ करती थी, लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद बहुत बड़ी क्लेमिटीज आई, अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स वगैरह, जिसने जितने भी प्लांट्स वगैरह थे सब कुछ नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद क्या हुआ कि प्लांट्स के ऊपर सॉयल की बहुत सारी लेयर्स हुई वो पूरी तरीके से चढ़ती चली गई और अर्थ का जो ट्रेमेंडसली प्रेशर हुआ वो उस पर पूरी तरीके से पड़ता चला गया। एक समय ऐसा आया कि ये अर्थ की एकदम डीप में चला गया और उस पर प्रेशर पूरी तरीके से पड़ता गया, इस नाते ये पूरी तरीके से हार्ड एंड कोल्ड सब्सटेंस के रूप में चेंज हो गए, जिसके कारण कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। जैसे देखेंगे अपने अर्थ में आज यहाँ बहुत सारे प्लांट्स वगैरह जैसे पाए जाते हैं। अब क्या हुआ एक समय ऐसा आया कि कुछ नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, उस क्लेमिटीज के कारण ये सारे पूरी तरीके से नष्ट हो गए और नष्ट होने के बाद ये अर्थ पर पूरी तरीके से गिर गए और अर्थ पर गिरने के बाद इस पर सॉइल की जो लेयर हुई वो पूरी तरीके से चढ़ती चली गई और जो अर्थ हुई अर्थ की प्रेशर इन सारी चीज़ों पर बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया मिलियन ईयर्स का टाइम लगा और ये जो प्लांट्स थे ये पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गए इनटू द फॉर्म ऑफ कोल, ठीक है, ये कोल के फॉर्म में चेंज हो गए क्योंकि अर्थ की जो टेरामेंडेस की प्रोसेस प्रेशर हुई
ये इस फॉर्म में पूरी तरीके से पढ़ती चले गई। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम कहते हैं पी। ठीक है, और जो दूसरा फॉर्म है उसको हम कहते हैं लिग्नाइट। किसका सर वाला है जी? जी सर। नेक्स्ट हो गई लिग्नाइट एंड नेक्स्ट इज इट इज कन्वर्टेड टू कोल। ये कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि इस पर टेरामिलिस्टिक प्रेशर पड़ता है और इस तरीके से कोल का फॉर्मेशन होता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं कि जो अपनी अर्थ थी, अपनी अर्थ डेंस फॉरेस्ट से पूरी तरीके से कवर हो रही थी, पूरी तरीके से कवर थी। कवर होने के बाद एक समय ऐसा आया कि अपने अर्थ पर कुछ नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, जैसे अर्थ में एक फ्लड्स वगैरह आ गए, जिससे जो प्लांट्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव हो गए, गिर गए। उसके बाद क्या हुआ कि जो कोल हुआ, कोल पर सॉयल की बहुत सारी लेयर चढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया कि इस पर प्रेशर पड़ता चला गया। जब प्रेशर पड़ता चला गया तो ये जो प्लांट्स की रिमेन्स थे ये अर्थ के डीप में चले गए। ठीक है, अर्थ के डीप में चले गए और एक समय ऐसा आया कि ये पूरी तरीके से अर्थ के बहुत ही अंदर चले गए और अर्थ की टेम्परेचर हाई होने के नाते वो जो सब्सटेंस हुआ, जो बहुत बड़ा प्लांट था, वो प्लांट छोटे में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया टेम्परेचर के नाते और ये हार्ड सब्सटेंस में चेंज हो गया और इसी फॉर्म को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल। ठीक है, इट्स प्रोसेस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये क्या है? ये फॉर्मेशन ऑफ कोल है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज आया वो आया पीट, देन आई लिग्नाइट एंड देन आई कोल। ठीक है, इस पर कोल का फॉर्मेशन हो गया पीट, जहाँ पर पूरी तरीके से प्लांट्स वगैरह लगे थे लेकिन नेचुरल क्लेमिटीज आने के बाद ये पूरी तरीके से गिर गए। गिरने के बाद उस पर सॉयल की जो लेयर हुई वो धीरे धीरे डिपोजिट होनी शुरू हो गई। डिपोजिट होने के बाद उस पर टेरामिलिस्टली अर्थ का प्रेशर पड़ता चला गया, टेम्परेचर अर्थ के अंदर बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हुई, जिससे ये पूरी तरीके से कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रेजेंट डिपोजिट्स ऑफ कोल टू प्लेस अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो। एट दैट टाइम आवर प्लैनेट वाज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज। ठीक है, आवर प्लैनेट इज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू नेचुरल क्लेमिटीज, इट इज डिस्ट्रक्ट। ये पूरी तरीके से क्या हो गए? गिर गए। उसके बाद क्या हुआ? आए टाइम पास होता चला गया और उस पर उस प्लांट्स पर पूरी तरीके से सॉयल की बहुत ज़्यादा लेयर हुई, वो पूरी तरीके से चढ़ती चली गई। इनके बाद क्या हुआ? देवर कंप्रेस्ड। जब लेयर पूरी तरीके से उस पर पड़ती चली गई फिर वो कंप्रेस्ड होते चले गए। ठीक है, जो प्लांट्स थे प्लांट्स कंप्रेस होते चले गए। कंप्रेस होने के बाद हम देखेंगे एज दे वरी डीपर एंड डीपर टेम्परेचर आल्सो रोज। ठीक है, जैसे जैसे वो कंप्रेस हो रहे थे उस समय जो टेम्परेचर थी वो टेम्परेचर तेजी के साथ अर्थ के अंदर जो टेम्परेचर थी वो रोजेस हो रही थी, डेटनेस बढ़ रही थी। बढ़ने के बाद क्या हुआ? डेड प्लांट्स, ठीक है, जो डेड प्लांट्स थे इट इज स्लोली चेंज इन टू कोल। ठीक है, ये जो कोल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे ये डेड प्लांट से हुआ। डेड प्लांट लिए प्लांट के बाद अर्थ अपनी कवर थी, प्लांट के बाद प्लांट के साथ में डेंस फॉरेस्ट के साथ में जो प्लांट्स लिए प्लांट्स डिस्ट्रक्ट कर गए। डिस्ट्रक्ट करने के बाद प्लांट्स पे सॉयल की लेयर चढ़ती चली गई, उस पर टेरामिलिस्टी प्रेशर पड़ता गया जिससे वो कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होने के बाद यही प्लांट कन्वर्ट हो गया इनटू द फॉर्म ऑफ कोल। बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद हम देखेंगे फिर क्या हुआ? लिग्नाइट, ठीक है, ये आपकी लिग्नाइट है, जो लिग्नाइट है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गई इनटू द फॉर्म ऑफ कोल। क्यों? क्योंकि एट दिस कंडीशन इंक्रीज द प्रेशर।
ठीक है, प्रेशर स्तर इंक्रीज होता चला गया, ये कम फॉर्म में होता चला गया और अब कोल के रूप में कन्वर्ट हो गया। द कोल इज प्रोसेस्ड फ्रॉम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कोक, कोल, कोल टार एंड कोल गैसेस। ठीक है, जो अब इसको हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि इसका फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ है ना। तो हम देखेंगे जब कोल का फॉर्मेशन हुआ तो किस फॉर्म में हुआ, तो कोल का फॉर्मेशन हुआ अपनी अर्थ जो थी अर्थ इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट ड्यू टू द नेचुरल क्लाइमेटिस प्लांट इज डिस्ट्रक्ट देन आर द प्लांट्स डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज डिपोजिट्स ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर all plants are compressed inside the earth and these plants is converted into the form of coal. ठीक है, प्लांट्स जो थे प्लांट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट कर गए, डिस्ट्रक्ट करने के बाद वो सॉयल में आए और उस पर ये जो प्लांट्स के रिमेन्स थे इस पर सॉयल की बहुत सारी लेयर जो हुई वो चढ़ती चली गई, जिसके नाते ये कंप्रेस्ड होते चले गए। कंप्रेस होने के बाद एक समय ऐसा आया कि जो को जो ये प्लांट्स थे इसकी जो रूइंस थी वो कन्वर्ट हो गई इनटू द फॉर्म ऑफ कोल। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कोल होता है कोल से कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी हमें मिलते हैं। ठीक है, कोल को निकालने के बाद कोल में कुछ यूजफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं, यूजफुल सब्सटेंस जो पाए जाते हैं वो है पाया जाता है कोक और पाया जाता है कोल गैस, इनके अलावा पाया जाता है कोल टार। ठीक है, कोल टार पाया जाता है, कोल पाया जाता है और कोल पाया जाता है। ठीक है, जब हम कोल को निकालते हैं तो उससे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, कोक पाया जाता है, कोल गैस पाया जाता है, कोल टार पाया जाता है, कोल गैस पाए जाते हैं, कोल पाया जाता है, इनके अलग अलग तरीके से यूजेस होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि जो कोल है कोल के यूजेस कहाँ कहाँ है ना, यूजेस ऑफ यूजेस कोल। ठीक, जो कोल है कोल के यूजेस कहाँ कहाँ है, तो कोल इज यूज्ड एज, ठीक है, तो फाइव यूजेस कहाँ है, कोल इज यूज्ड एज डोमेस्टिक पर्पस। ठीक, जो कोल होता है उस कोल को हम डोमेस्टिक पर्पस के फॉर्म में भी यूज करते हैं, किसके लिए, फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक, तो इसकी ये फर्स्ट यूज है। ठीक है, कोल की यूज क्या है, कोल इज यूज एज डोमेस्टिक पर्पस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ठीक है, इसको हम कुकिंग एंड हीटिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, कोल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ठीक, कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट्स के रूप में भी यूज किया जाता है। दैट मीन्स कोल, थोड़े शब्दों में समझेंगे, कोल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज आल्सो कैपेबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनका यूज इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज होता है, दैट मींस इसको थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनके अलावा हम देखेंगे कि जो कोल होती है कोल का, ठीक है, कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि इसको
पूरी तरीके से फ्रैक्शन किया जाता है, तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे भागों में। इसको हम बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, हीट होने के बाद ये डिफरेंट टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, जबकि कई भागों में टूट जाता है और टूटने के बाद ये कोलदार कोल गैसेस ठीक है कोक में इन सारी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आज आपने पढ़ा फॉसिल्स फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल में आपने देखा कि जो फॉसिल्स फ्यूल है दैट मीन्स डीजल पेट्रोल है, पेट्रोलियम है और कोल है, वो हमें प्राप्त होता है फॉसिल से, इस नाते इसको हम फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। फॉसिल्स फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसको हम प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त करते हैं, इस नाते इसको फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कोल है वो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से मिलकर बना होता है, इस नाते इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो कोल है, कोल एक हार्ड सब्सटेंस है जिसमें कार्बन कंटेंट्स पाए जाते हैं और ये हीट को जनरेट करने का एक फ्यूल होता है। इनके अलावा हमने देखा था कि जो कोल होती है उसकी डिफरेंट वैरायटीज के बारे में हम लोगों ने देखा, उसमें हमने देखा एंथ्रासाइट जो बेस्ट क्वालिटी होती है, उसके बाद हमने देखा लिग्नाइट और तीसरा हमने देखा ड्यूटेरियम्स। नेक्स्ट हमने फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि जो कोल का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, तो हमने देखा कि जो अर्थ थी मिलियन ऑफ इयर्स एगो अर्थ इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, अर्थ जो थी वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड थी, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटीज इट इज डिस्ट्रक्टेड नाउ, नेचुरल क्लाइमिटीज आई और अब वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था, डिस्ट्रक्ट हो गया था। समझ भी तक चला गया उस फॉरेस्ट एरिया पर सॉयल की लेयर चढ़ती चली गई और एक समय ऐसा आया कि अर्थ पर बहुत सारी सॉयल की लेयर उस प्लांट के चढ़ने के बाद अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर पड़ने के साथ साथ वो कोल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। उनके बाद हम लोगों ने देखा कि कोल से और भी कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हमको ऑब्टेन होते हैं, उनमें कोक है, कोल तार है, कोल गैसेस है और कोल है। उनके अलावा हमने इनके बहुत सारे यूजेज भी पढ़े, तो हमने देखा कि कोल का यूज कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज होता है, कोक का यूज थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होता है और कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं जिसके कारण वो डिफरेंट सेक्स में डिवाइड हो जाता है, डिफरेंट और भी आइटम्स में डिवाइड हो जाती है और उन आइटम्स की अलग अलग यूजेस भी होती हैं।